हमारा प्रिय मित्रों, सुबह संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से वाटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रोस 5 अध्याय की 6 से 11 आयत तक हम देखेंगे। 1 पीटर 5:6-11 मैं इसमें से एक आयत जो पढ़ना चाहता हूँ उसकी 10वीं आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दादा है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही उन्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम पिछले कुछ समय से पहला पत्रोस की पत्री में से कुछ बातों पर विचार करते थे। आज उसकी 17वीं पार्ट जो इसमें से हमने पिछले कुछ समय से सुन के आ रहा था, विश्वास करता हूँ कि सुनने वाला सभी लोग जो सुनते समय पर आशीष पाएंगे। यहाँ तक इस किताब को भी पूरा मेडिटेशन करने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई की, इसके लिए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आपको इस आयतों में से जो 6 से 11 आयतों में से दो बात आपके सामने मैं पहले रखना चाहता हूँ। ये है कि एक मसीह होने के कारण, परमेश्वर का संतान होने के कारण हम क्या करना है, दूसरी हम परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। इन दो बातों के ऊपर हम विचार करेंगे। पहले हम देखेंगे इन आयतों में से हमें क्या करना है। एक परमेश्वर के संतान के रूप में, परमेश्वर के चेले के रूप में, परमेश्वर के विश्वास के रूप में, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति के रूप में, आराधना करने वाला एक विश्वासी के रूप में, जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाकर परमेश्वर के संतान हुए लोगों को क्या करना है। इन आयतों में से हम 5 बात देखते हैं कि जो हमें करना है। पहली बात है उसकी छठी आयत के अंदर हम देखते हैं, उसमें देखते हैं कि मैं आपको इसको पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है। पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है। जब हम परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर बलवान है, परमेश्वर सामर्थ्यवान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उस परमेश्वर के नीचे हमें रहना है। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सर्वशक्तिमान है तो हमें अपना सर्वशक्ति या अपना सामर्थ्य दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हम परमेश्वर का संतान है,
इसलिए हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहते हैं। दूसरी बात इसमें से हमने अपने देख हमको देखना है कि सातवीं आयत, वे तो सब लोग इस आयतों को जानते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। इसमें आगे हम देखते हैं तो क्योंकि उसकी तुम्हारा ध्यान है, ये बहुत सब लोगों को सुपरिचित एक आयत है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। इसका मतलब हम समझ सकता है मनुष्य होने के कारण हमें बहुत सारे बातों का चिंता रहती है, और मनुष्य होने के कारण रोज रोज हमारे ऊपर बहुत सारे बात आती है और चिंता करते हैं, विचार करते हैं, और हमें बोझ उठाना पड़ता है, और इसी प्रकार की जो सारे जो चिंता मसीह लोगों के जीवन में होना स्वाभाविक है। लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर के संतान के रूप में मसीह के ऊपर सारे चिंताओं को छोड़ना है, क्योंकि प्रवेश मसीह ने हमको ये वायदा दिया था, तुम्हारा सारे चिंता मुझे पर डाल दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। तीसरी बात हमें करना है, क्या करना है, इसमें से हम देखते हैं कि उसकी आठवीं आयत के अंदर हम जब हम पढ़ता है तो उसमें हम ऐसा देखते हैं, सचेत हो और जागते रहना। तीसरा और चौथी बात है, सचेत रहना और जागते रहना, और मसीह के लिए बुलाए हुए लोग परमेश्वर का संतान के रूप में हमेशा सचेत रहना है और हमेशा जागते रहना है। जागते रहना मतलब सोने का नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर बातों में ध्यान हमारे ऊपर होना चाहिए। पांचवी बात अब इसमें से हम देखते हैं कि विश्वास में दृढ़ होकर और हरेक बातों का सामना करना है। तो पांचवी बात हमें विश्वास के रूप में जो करना है इसके बारे में हमने देखा, और हम लेकिन अभी आओगे आगे हम देखना चाहता है इस बातों में ऐसा समय पर परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। ये तो मनुष्य के रूप में, ये परमेश्वर के संतान के रूप में हमें क्या करना है, इसके विषय के ऊपर हमने विचार किया। पांच बात हमने देख लिया उसके अंदर से। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, ये बहुत बात बोलकर मैं यहाँ समाप्त होना चाहता हूँ। पहली बात है, उचित समय पर हमें बढ़ाएगा, और छठी आयत के अंदर हम देखते हैं कि उचित समय पर परमेश्वर के लिए एक समय होता है, परमेश्वर का हमारा समय नहीं है, परमेश्वर का समय, परमेश्वर मनुष्य के लिए एक समय निर्णय ले किया हुआ है। हम कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी चाहे, वो समय परमेश्वर हमको नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का समय तक हमें व्यवस्थित रीति में इंतजार करना पड़ता है, ये परमेश्वर का व्यवस्था है। दूसरी, परमेश्वर हमारे लिए जो करता है, ये इसका सातवीं आयत के अंदर हमने देखा है, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है, हमारे ऊपर हमेशा परमेश्वर ध्यान करता है, एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं। जैसा हमारे परिवार में कोई छोटा बच्चे हो, कहाँ क्या करता है, कहाँ जाता है, किसके साथ खेलते हैं, सारे बातों पर हम ध्यान करता है। इसी प्रकार परमेश्वर हमारे ऊपर भी, हमारे बातों में, हमारे ज़रूरतों में, हमारे बीमारियों में, हमारे परेशानियों में, हमारा जो सारे चिंताओं में हमारे ऊपर ध्यान करते हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं कि उसमें लिखा है, परमेश्वर सिद्ध और स्थिर होकर हमें बलवंत करते हैं। दसवीं आयत के अंदर हम देखते हैं, परमेश्वर सिद्ध और स्थिर होकर हमें बलवंत करते हैं। निराशा में रहने वाले लोग, दुख में रहने वाला लोग, परेशानियों में रहने वाला लोग, सारे उपद्रव में रहने वाला लोग, और शैतान की ये जो परेशानी उसमें रहने वाला लोग, सब के सामने परमेश्वर में बलवंत करते हैं। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करें, मदद करें, जो इस आयतों में एक तो हमें जो करना है, दूसरा जब हम वो काम करता है उस समय परमेश्वर हमारे लिए जो करता है, इन बातों पर विचार किया, इन बातों पर हमने सुन लिया है, इन वचन के द्वारा परमेश्वर में अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे। और इसमें लिखा है कि परमेश्वर का सारे अनुग्रह का दादा परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा, और इसलिए हमको बुलाया, इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए दुख उठाने के का अवस्था हो सकता है, लेकिन हमें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के नाम की महिमा हो।